अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अमन दुश्मनों की मुल्क का अमन खराब करने की कोशिश, मियांवाली पुलिस तीसरा पिलाई दीवार बन गई। बैनल सुबाई बॉर्डर चेक पोस्ट कबूल खैल पर दहशतगर्दों का हमला, मियांवाली पुलिस के बहादुर जवानों ने नाकाम बना दिया। पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक पर प्रमोट होने वाले 36 अफसरान को नए ओहदों के रैंक लगा दिए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम जारी, लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले पुलिस मुलाजमीन को इलाज मुआवजे के लिए 13 लाख रुपए से ज्यादा फंड्स जारी। ननकाना साहब पुलिस इन एक्शन, थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। पंजाब भर से गुज़श्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 62,350 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई, 4,950 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 44,712 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,256 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए, वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 410 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। पुलिस की जुरत और बहादुरी की एक और दास्तान रकम, कबूल खेल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया गया, मियांवाली पुलिस के जवान सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। 12 से 13 दहशतगर्दों ने 3 अतराफ से कबूल खेल चेक पोस्ट पर हमला किया, पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली और जदीद सहूलियात से हमला नाकाम बना दिया। डीपीओ मियांवाली पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर मौजूद रहे, पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। आरपीओ मियांवाली शारिक कुमाल सदीक का कहना है कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, दहशतगर्दों का हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है, पुलिस के शेर जवान बुलंद हिम्मत और हौसले से अपने फ़र्ज को पूरा कर रहे हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में डीएसपी रैंक पर प्रमोट होने वाले अफसरान के इजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक पर प्रमोट होने वाले 36 अफसरान को नए ओहदों के रैंक लगाए गए। प्रमोट होने वाले डीएसपीज में 1 लीगल 35 एग्जीक्यूटिव कैडर इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्दा तकरीब में तरक्की पाने वाले अफसरान के अहले खाना और बच्चों ने खसूसी तौर पर शिरकत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नए डीएसपीज को सुपरवाइजरी कैडर में शमूलियत पर मुबारकबाद दी और कहा कि डीएसपीज का पुलिस फोर्स की वर्किंग में इंतहाई अहम किरदार है, क्राइम कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन को यकसा अहमियत देने वाला ही कामयाब ऑफिसर है। क्राइम कंट्रोल, इंतजामी अमूर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाएं और मातहत फोर्स की इस्तेदाद कार, जरूरियात और वेलफेयर का खास ख्याल रखें। एडिशनल आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी वेलफेयर, डीआईजी हेडक्वार्टर्स, डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट, एआईजी एडमन, एआईजी डिसिप्लिन समेत दीगर अफसरान ने भी तकरीब में शिरकत की। डॉक्टर उस्मान अनवर के पुलिस जवानों की सेहत और इलाज मुआवजे के लिए फंड्स जारी, आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए 13 लाख रुपए जारी कर दिए। आईजी पंजाब ने कहा कि वेलफेयर ब्रांच पुलिस मुलाजमीन और इनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम कर रही है। लाहौर पुलिस के जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद तारिक को इलाज मुआवजे के लिए 3 लाख रुपए, सियालकोट के जख्मी कांस्टेबल नदीम बशीर को तिब्बी खराजात के लिए 3 लाख रुपए, लाहौर पुलिस के गाजी कांस्टेबलान मोहम्मद अफसल, साकिब, फिलिप मसीह और हसन अब्बास को तिब्बी खराजात के लिए 2 लाख रुपए फीकस और लाहौर पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद काशिफ को 1 लाख रुपए दिए गए। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रेडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं जुबैर शारिक। आज पीर 12 फरवरी है और हम आपके लिए लाए हैं लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से खसूसी स्मोग अपडेट न्यूज बुलेटिन। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रिडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 375, पंजाब यूनिवर्सिटी 350 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 380 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इतला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। थाना सिटी शाहकोट पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब डकैत गैंग के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया।
मुलजिमान के कब्जा से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने 8 कार रॉबरी की वारदातों का इंकशाफ भी किया है। डीपीओ ननकाना साहब ने SHO और पुलिस टीम को शाबाश दी और कहा कि अवाम का माल और दौलत छीनने वाले कौमी मुजरिम हैं, जुराम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के सोशल मीडिया पेजेज़।